सत्ता के नशे में चूर ये राजनेता अपनी ताकत का किस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बस ठीक है ठीक, ओके ओके। सर मैं डॉक्टर पंकज की दवाई लेने गया था, तीन दिन बाद डॉक्टर ने बोला अगर तेरे को फर्क नहीं लगे तू डॉक्टर को बताना। मैं डॉक्टर को बताने गया, मेरे को मारने पड़ गए। उन्होंने बोला सही में तू आप लोग हाथ दिखा रहते हो। श्याम चौधरी ने मारा, चौधरी श्याम ने मुझे मारा और उसके भतीजे ने मारा। नहीं खून ज्यादा निकल रहा है। चौधरी शाम ने मुझे मारा और उसके भतीजे ने मारा। बन गई है, बन गई है, रहन दो रहन दो, बन गई है। नहीं खून ज्यादा निकल रहा है, रहन दो। जी सर आपका नाम? मेरा नाम तलविंदर सिंह है। क्या कहना चाहते हो सर आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ड्यूटी पर तैनात था हरे पीरो चौकी में, उधर से जा रही थी बीजेपी का जो लीडर है उसका भतीजा है लक्की नाटी चौधरी और बिक्की। मैंने बोला सर अभी इलेक्शन चल रही है, गाड़ी की मैंने तलाशी लेनी है। उसने बोला तेरी औकात क्या है, तेरा रैंक क्या है? मैंने बोला एसपीओ। आहा जितना ये तू पे लेता है इतने का मैं जूता डालता हूँ, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को हाथ देने के लिए? उधर में पहले मेरे को धक्के धुके मारे, फिर दूसरे दिन मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गया, बीमार था मैं चकरोई में। उधर से श्याम चौधरी आया MLA मंत्री बीजेपी का, उसने बोला ये लवली कहाँ है, ये लवली है, मारो साले को देखा जाए, मार दो साले को देखा जाएगा। उन्होंने मेरे को मारा, इसी ने मेरे को फट मारने लगा टोके से। मैंने हैंडू ऊपर किया, मैंने मेरा हैंडू कट गया पूरा, मेरे को 7 टांके लगे हैं। उधर DSP खुद पहुँचे, उन्होंने मैं देखा जब पुलिस आ गई है वो भाग गए। शुक्रिया सर, मेरी अपील की जाती है मेरी कुछ मदद की जाए, मैं भी पुलिस का आदमी हूँ। जम्मू से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।